Hello students, once again I welcome you all in online class of GD Mother International School. Today I am going to explain about the online transactions. We have already discussed various topics under the topic emerging modes of business. In this chapter, we are going to study about the e-business. You all know about the e-business, that it is electronic form of business. इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये रीड किया कि इलेक्ट्रॉनिक वे से, इलेक्ट्रॉनिक वे मीन्स थ्रू इंटरनेट, हम किस तरह बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए सबसे पहले तो कुछ सिस्टम, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? यू ऑल नो अबाउट द हार्डवेयर। आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, whether it is your smartphones, laptop, tablets, जो भी है, means desktop, means computer चाहिए, कोई electronic device चाहिए। Online transaction या electronic business में सबसे important चीज ये है कि you have required certain things. What are they? First is electronic device. Next one is technical expert knowledge, skill. आपको ऑपरेट करने के लिए सिस्टम को नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज चाहिए। उसके बाद आपको क्या लगता है कि नॉलेज ही काफ़ी है? नॉलेज चाहिए, लेकिन इसके उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारा पेमेंट मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम बिजनेस कैरी ऑन करने जा रहे हैं तो हमारे पास पेमेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए, जो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, फंड ट्रांसफरिंग के थ्रू किया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स के थ्रू किया जा रहा है। तो ये सारी सर्टेन थिंग्स हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। अब इन थिंग्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, देन वी गो फॉर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे हो सकती है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में क्या हुआ? वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जितने भी बिजनेसेस हैं, एक तरह से हमें एक प्लेटफॉर्म पे मिलने लग गए, एक शॉप की तरफ एक ही जगह मिलने लग गए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स घर बैठे कैसे भी कहीं भी कर सकते हैं। तो अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहले किस मेथड से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं? तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए फर्स्ट यू नीड द रजिस्ट्रेशन वर्क। आप पहले रजिस्टर्ड करते हैं किसी भी वेंडर के थ्रू, कि आप किसी भी, जैसे आपने डिफरेंट, आपके पास आज वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप रजिस्टर्ड होके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है प्लेसिंग ऑर्डर। एट दैट मोमेंट यू सेलेक्ट सर्टेन आइटम्स कि आपको जो जो परचेज करना है, उन सर्टेन आइटम्स को हम क्या करते हैं, शॉपिंग कार्ट में इंसर्ट करते हैं उसको वहाँ एक कलेक्टिवली इकट्ठा करने के बाद, या फिर एक सिंगल प्रोडक्ट कमोडिटी की भी ज़रूरत हो सकती है या डिफरेंट कमोडिटीज़ की। जब डिफरेंट कमोडिटीज़ की बात आती है, देन वी गो फॉर यूजिंग द शॉपिंग कार्ट ऑप्शन। कार्ट में इंसर्ट करते जाते हैं। जब आपकी ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है, देन वी प्लेस द ऑर्डर। व्हाइल प्लेसिंग द ऑर्डर यू हैव टू क्लिक ऑन ऑर्डर प्लेस्ड ऑप्शन। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, पेमेंट मैकेनिज्म को आगे फॉलो करने जा रहे हैं। हमने ऑर्डर प्लेस कर, पहले आइटम सेलेक्ट कर ली, कमोडिटीज जो भी हमें परचेज करनी थी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हमने सेलेक्ट किया, ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब पेमेंट की बारी आती है। तो पेमेंट कैसे करना है, इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर कि कस्टमर कौन सा ऑप्शन चूज करता है। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज कैश ऑन डिलीवरी। ऐसा पॉसिबल है कि जब प्रोडक्ट डिलीवर किया जाएगा, जिस टाइम डिलीवर किया जाता है, ऑन द स्पॉट यू हैव टू पे, मतलब उस टाइम आपको पेमेंट करना है, वो प्रोसेस कहलाएगा कैश ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट ऑप्शन इज नेट बैंकिंग ट्रांसफर। नेट बैंकिंग के थ्रू भी हम फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अकाउंट से वहाँ दूसरे के अकाउंट में। नेक्स्ट इज वी आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऑप्शन ऑल्सो। अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऑप्शंस के थ्रू भी हम पेमेंट
क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिजिटल कैश। डिजिटल कैश ऐसा एक ऑप्शन मिलता है जो जनरली बैंक से ऑथराइज करके हम एक पैसे हम अपने फंड्स को सेलेक्ट करके फंड्स को सबमिट करते हैं। उस फंड को सबमिट करने के बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन जहां हमने इस फंड को सेलेक्ट किया है उसके बाद ये ऑप्शन मिलता है कि हम डिजिटली अपने कैश को ट्रांसफर कर सकें। सिंपली डिजिटली कैश क्या है हमारे पास, ये एक साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करता है। डिजिटल कैश ऑप्शन, डिजिटल कैश ऑप्शन साइबर स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ द यूजर ऑफ दिस कैश हैज टू डिपॉजिट फंड्स इन द बैंक, देन बैंक इश्यू अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू विदड्रॉ डिजिटल कैश एंड यू कैन यूज डिजिटल कैश टू मेक पेमेंट। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द मेन पेमेंट मैकेनिज्म्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो बच्चों ये तो थी हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की पेमेंट हम किस मोड से कर सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आज की डेट में इनका क्रेज है, हम ज़्यादातर डिजिटली सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, बट देर आर सम रिस्क ऑल्सो। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस। अगर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्क। फर्स्ट वन इज ट्रांजेक्शनल रिस्क। एज द नेम सजेस्ट, एज द वर्ड सजेस्ट, दिस रिस्क अराइज एट द टाइम ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन। वट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पर जो भी हम ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं एट दैट मोमेंट कोई रिस्क अराइज हो सकता है। वो किस टाइप का रिस्क हो सकता है? फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट और ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। इन केस हम अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस टाइम भी डिफॉल्ट हो सकता है। ऑर्डर हमें क्या प्लेस करना था, हमने क्या प्लेस कर दिया, तो इस टाइम भी रिस्क अराइज हो सकता है। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, जो भी आइटम आपने ऑर्डर किया था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो प्रोडक्ट किसी रॉन्ग एड्रेस पे पहुंच गया या फिर प्रोडक्ट में ही कुछ डिफेक्ट आ गया। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, आपने पेमेंट किया है वहाँ से शो कर रहा है कि यू हैव नॉट डन द पेमेंट, ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसे रिस्क अराइज हो सकते हैं। तो दीज आर द मेन ट्रांजेक्शनल रिस्क विच अराइज वाइल डूइंग द ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट मेजर्स यू हैव टू टेक टू ओवरकम दिस ट्रांजेक्शनल रिस्क। इन रिस्क को, ये ट्रांजेक्शनल रिस्क जो आ रहे हैं उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। वी हैव डिफरेंट मैथड्स टू ओवरकम दिस ट्रांजेक्शनल रिस्क। अब कैसे किया जा सकता है, हम ट्रांजेक्शन रिस्क को कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट आपको इसके लिए मेजर सजेस्ट किया गया है क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। जब ट्रांजेक्शन रिस्क करते हैं, अगर वैसा रिस्क अराइज होता है ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, तो कुछ मेजर्स जो हमें सजेस्ट किए हैं उन मेजर्स में फर्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन में क्रेडिट कार्ड नंबर प्रोवाइडेड जो कस्टमर ने दिया है, द क्रेडिट कार्ड नंबर प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर इज ट्रू और नॉट। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं कि जो क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हमें सबमिट किए गए हैं बाय द कस्टमर इज ट्रू और नॉट, इज राइट और नॉट। ओके, तो यहाँ क्रेडिट कार्ड की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन। इन दिस सिस्टम चेक्स वेदर द फंड्स आर अवेलेबल और नॉट। क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन में क्या चेक कर रहा है, वेदर यू हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ फंड और नॉट। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड में सर्टेन अमाउंट, जिसकी भी पेमेंट आपको करनी है उतनी अमाउंट है या नहीं है। मतलब क्या होता है, यहाँ सिस्टम चेक कर रहा है वेदर द फंड्स अवेलेबल इन क्रेडिट कार्ड अकाउंट ऑफ अ कस्टमर और नॉट। क्लियर? नेक्स्ट इज सेटलमेंट। अब क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन
इन सब के बाद नेक्स्ट चीज हमारी क्या आती है, सेटलमेंट की। सेटलमेंट में वंस द प्रोडक्ट इज डिस्पैच्ड, व्हाट, वंस द प्रोडक्ट इज डिस्पैच्ड और डिलीवर्ड, द बैंक विल रिलीज द फंड्स एंड ट्रांसफर देम इन बिजनेसमैन्स अकाउंट। एक बार जब ये सेटलमेंट हो जाती है तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक विल रिलीज द फंड्स एंड ट्रांसफर देम टू बिजनेसमैन्स बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट कम टू डेटा स्टोरेज रिस्क। डेटा स्टोरेज रिस्क हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है। मतलब ये कि जो ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम करने जा रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन्स में ट्रांजेक्शनल रिस्क के बाद दूसरा एक और रिस्क अराइज हो सकता है, वो है डेटा स्टोरेज रिस्क, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी डेटाज आपके पास सिस्टम में हैं वो डैमेज हो सकते हैं। कैसे, वायरस, जिसे क्या कहते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, वायरस के थ्रू। अब वायरस के थ्रू क्या है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सारे इंपैक्टेड हो सकते हैं। अब बोला जाता है कि जो वायरस है वो पूरे सिस्टम को डेड बना देता है, वो सारे इंफॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर मेमोरी में है उन सभी को डैमेज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे रिस्क अराइज हो सकते हैं। अब बात आती है हैकिंग। हैकिंग इज द अनदर प्रॉब्लम। अब हैकिंग में क्या किया जा रहा है, हैकिंग के थ्रू, हैकिंग रेफर्स टू अनऑथराइज्ड एंट्री। किसकी एंट्री, अनऑथराइज्ड एंट्री ऑफ समवन, किसी की भी अनऑथराइज्ड एंट्री आपके वेबसाइट पर आती होती है जो आपके सारे डिटेल्स को करप्ट कर रही है, सारे डिटेल्स को हैक कर लेती है। हैकर्स के बारे में आप सब जानते हैं कि वो आपके सिस्टम वेबसाइट में घुसते हैं और सारे डिटेल्स को हैक करके ले जाते हैं। अब बात है कि डेटा स्टोरेज रिस्क से हम कैसे बच सकते हैं। वी हैव ऑल्सो सम मेजर्स सेट। फर्स्ट इज सेटिंग अप द क्राइम सेल। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल क्राइम सेल ऑर्गेनाइज किया है, मीन्स स्टार्ट किया है, जिसमें जो भी क्राइम्स होते हैं डिजिटल बिजनेस से रिलेटेड, मीन्स इन सब से रिलेटेड, उन मैटर्स को हैंडल किया जाता है। इनके पास इतनी टेक्निक्स होती है कि वो इन सब को इंस्पेक्ट करके जो भी क्राइम कंडक्ट किए गए हैं उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम पनिश किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या किया जाता है, हियर इंक्रिप्शन रेफर्स टू व्हाट, इंक्रिप्शन रेफर्स टू कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ कोड, सो द अनऑथराइज्ड वन, अनऑथराइज्ड मे नॉट अंडरस्टैंड, मीन्स इंक्रिप्शन में आप अपने मैसेजेस को ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देते हैं जो दूसरे, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उसको वो डिकोड ना कर सके। नेक्स्ट वन इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इन दिस मैथड, डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, इन दिस मैथड अ कोडेड डिजिटल सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। एक आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया जा रहा है, कैसा, कोडेड डिजिटल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जो क्या चेक कर रहा है टाइम टू टाइम, आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। तो दीज ऑल आर द मेन मेजर्स टू ओवरकम द डेटा स्टोरेज रिस्क। वन मोर रिस्क इज हियर, दैट इज रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। सही बात है, इतने सारे डिटेल्स आपके सिस्टम में हैं, अब ये तो डिफिकल्ट है ना कि हर चीज को सीक्रेट रखें, तो ये हर टाइम एक थ्रेटन बना रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ से हैक ना कर दिया जाए। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड टुडे द डिफरेंट रिस्क अराइजेस ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फर्स्ट रिस्क इज ट्रांजेक्शनल रिस्क, सेकेंड वन इज डेटा स्टोरेज रिस्क, एंड थर्ड वन इज रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड टूडे
how to overcome these risks. So study it carefully. We will meet in another class. Okay, bye for today, students.